जब उस 5 मिनट का बोलते गाड़ी ले जाएंगे। ये बड़े बड़े डेंट आए हुए हैं और ये निशान है लव बाइट के, और ये निशान गाड़ी पर नहीं मेरे दिल पे लगा है। ये वो सारे काम है जो हमने करवाने हैं रफ यूज होने की वजह से, स्क्रैचेस वगैरह। मैं गाड़ी जब खड़ी करता हूँ, पार्क करता हूँ गली के अंदर, छाव की वजह से मुझसे भी कई दफ़ा दीवार से अटैच होंगे, तो छोटे छोटे निशान है ये खत्म करवाने हैं, बहुत बुरे लगेंगे। जैसे औरतों का मेकअप होता है ना, वैसे मर्दों का मेकअप नहीं है, गाड़ियाँ होती हैं, वो अपने चेहरे को श्रृंगारती हैं और हम गाड़ी को श्रृंगारते हैं। बहावलपुर का मौसम आजकल इतना तो गर्म है, गर्मी टिका के पड़ रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, कुछ अंदाजा नहीं है कब क्या मौसम हो जाए। मेरी गाड़ी अक्सर बाइक खड़ी रहती है, वो रेगुलर यूज है गाड़ी का। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी हम वर्कशॉप जा रहे हैं, वहाँ से जाके एस्टीमेट लेते हैं गाड़ी का क्या क्या काम कितने में होगा। जो जो भी मॉडिफिकेशन इसमें होंगी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ अपडेट करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने ये गाड़ी परचेज की थी उस दिन मैंने सबसे पहली बात यही बोली थी कि इसको मैं इंशाल्लाह एक प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा, और आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसको करेगा, जरूर करेगा, और आप लोग मेरे साथ हैं, बड़े मजे आने वाले हैं भाई। हाँ जी, इस वक्त हम वर्कशॉप की तरफ जा रहे हैं, और आजकल इतना आपके भाई को टाइम ही नहीं मिला कि वो बीएड बनवा ले, मतलब मामला आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल रफ एंड टफ घूम रहे हैं। तो गर्मी जो है ना यार, गा के पड़ रही है भाव, मौसम का कुछ पता नहीं चलता, कभी बारिश, कभी आंधी, कभी तेज़ धूप, और मेरी गाड़ी अक्सर बाहर खड़ी रहती है, तो बारिश ने और धूप ने मिल के जो इसकी तबीयत साफ की है ना, ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊँ। ये मेरी वर्कशॉप है, हमने यहाँ पे जाना है। वर्कशॉप में दाखिल होते ही आपके भाई ने अपना फ़ोन एक छोटे बच्चे को दे दिया। मैं भी उस्ताद का शागिर्द था जिससे मैंने वीडियो बनवाई, उसके बाद मैंने उस्ताद को सारा काम समझाया। छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, उसके बाद छोटे छोटे डेंट हैं, ये मतलब रफ ड्राइविंग की वजह से आए हैं। ये स्क्रैच मुझे एक चांद गाड़ी वाले ने दिया था, और बम्पर टोटली 7 अप हो गया, मे भी ये रिपेयर हो जाए, नहीं तो मैं नया डालना पड़ सकता है। उसके बाद उस्ताद ने ये भी बता दिया कि जो आपके लेफ्ट और राइट साइड के दोनों फेंडर हैं, इन पे भी स्क्रैचेस काफ़ी, इन्हें भी सेट करना पड़ेगा। बोनेट की टेप रिमूव होगी, उसके ऊपर भी काफ़ी स्क्रैचेस हैं, और सबसे मेन डेंट जो मेरी गाड़ी पे था ये वाला जो दूर से नुमाया होता था। उसके बाद डेंटिंग वाले भाई अपने काम पे लग गए, और बम्पर वाले भाई अपने काम पे लग गए, और उस्ताद इस एस्टीमेट में बैठे हुए हैं कि वो मुझे कितना बड़ा टीका लगाएंगे, और मैं ये चीज़ें देखते हुए यही सोच रहा हूँ कि मेरे सामने कितना बड़ा बिल आने वाला है, और काम तो करवाना है भाई। डेंटिंग और बंदा करता है, पेंटिंग और बंदा करता है, बम्पर रिपेयर और बंदा करेगा, ठीक है, ऐसे 3 से 4 लोगों का काम है अलग अलग, वो सब बंदे अपना अपना काम करना स्टार्ट हो गए। चलो पेंट करने के बाद स्पॉइलर दोबारा लगा देना बस। उस पागल के बच्चे ने सुराख किए हुए इसके अंदर। स्पॉइलर जब बंदा लगाता है ना, तो वो तरीका होता है डबल टेप से भी लग जाता है, और मामला तो उसने डायरेक्ट नट अंदर टिक्की के अंदर ही मतलब उसने सुराख कर दिया, तो ये बड़ा काम खराब है, उसको सुराख बंद करना पड़ेगा या फिर स्पॉइलर दोबारा लगाना। गाड़ी की मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपको यही काम करवाना पड़ेगा, देन ही आप अपना स्टेप आगे ले सकते हैं। अब आपके भाई ने पूरा प्लान रेडी कर लिया था और काम स्टार्ट हो गया हुआ है, और इंशाल्लाह अब आपके सामने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं अपनी गाड़ी की एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ मुकम्मल करूँगा। और उसके बाद जो भी सामान था गाड़ी का, फ्रंट लाइट्स, रियर लाइट्स, उसके बाद साइड मिरर, नंबर प्लेट, रपटे शपटे, जो सामान था वो मैंने सारा डिग्गी में रखवा दिया था ताकि गुम ना हो जाए। उसके बाद ये साइकिल पप्पू से खड़ी हुई थी किसी बच्चे की, सोचा इसी पे घर जाएंगे। उसके बाद जो सामान गाड़ी से थोड़ा थोड़ा करके उतर रहा था, वो मैं सारा सामान गाड़ी के अंदर रखा था। धूप बहुत तेज़ है, मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद जी मेहरबानी करो गाड़ी की तरफ छाँव में लगाओ और फिर काम करते रहो बेशक। अच्छा, एक चीज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने इस गाड़ी पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने बताया था कि मैंने गाड़ी के अंदर स्पेसर डलवाए हैं, क्योंकि मैंने गांव जाना होता है तो मेरी गाड़ी काफ़ी नीचे से लगती है, इसलिए मैंने स्पेसर डलवाए हैं। पर एक्चुअल में वो मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। जब भी गाड़ी के आप शौक के साथ अपनी तरफ से छेड़छाड़ करते हैं, तो गाड़ी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आ जाती है, मतलब आपको मज़ा ही नहीं आता गाड़ी चलाने का। तो मैंने इसकी स्पेसर रिमूव करवा दिए थे, अब मुझे पता था मैंने मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है, तो मैंने इसकी जो शॉक्स हैं वो चेंज करवाई हैं। अब मेरी गाड़ी पहले से काफ़ी लो है, और मैं समझता हूँ कि गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से हम गाड़ी की और भी लुक निकाल लेंगे जब इसे रेडी कर लेंगे। अब गाड़ी का काम स्टार्ट कर दिए उन्होंने, जैसे ये अब पहले बम्पर वगैरह रिपेयर कर लेंगे, डेंटिंग वाला कल काम स्टार्ट करेगा, स्पॉइलर हो गया, सारा सामान मैंने गाड़ी के अंदर रखवा दिया, ये कुछ पेपर्स पड़े हुए इंशाल्लाह मैं अभी ले जाऊँगा, और अब घर जाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अपने भाई की चूस देखते जाएँ, अब गाड़ी से सीधा हम साइकिल पे आ गए, ये हालात हो गए।